जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जहाँ जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेज आते हैं वहाँ वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आती है इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेज के साथ में एसोसिएटेड रहती है ठीक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी is always एसोसिएटेड विथ conservative forces इसका मतलब कह सकते हैं कि जहां जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का होना जरूरी है है ना जैसा कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसके साथ में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है मलिकुलर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो मलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी भी आती है है ना तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी कन्जरवेटिव फोर्स होंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का होना ज़रूरी है ठीक है अच्छा तो इसमें हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्चुअल डिफिनीशन क्या है है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले हम लोग डिफिनीशन समझते हैं ठीक है ऐसा कहा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वो वाली एनर्जी जो उसके पोजीशन के कारण से आती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है है ना? तो इसका डिफिनेशन ये कहा जाता है कि इट इज एनर्जी ऑफ ए बॉडी due to its position मतलब कि जैसे ही position change किया जाएगा तो उसकी potential energy object की change हो जाएगी है ना तो ये तो एक general definition हो गया potential energy का कि जो object है उसकी position के कारण से जो energy आती है वो potential energy कहलाती है ठीक लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें अभी समझना है ठीक है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक और डिफिनीशन समझेंगे इस डिफिनेशन में कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट पॉइंट का मतलब हो गया पोजीशन कि किसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कौन करेगा तो यहां पर कह सकते हैं कि बाई एक्सटर्नल एजेंट ठीक है तो कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग स्लोली ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट जो है वो जनरली इंफिनिटी पर लिया जाता है जनरली टेकन एट इन्फिनी ठीक है तो कह सकते हैं कि ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट तो ये जो है ये डेफिनेशन हो गया और इस डेफिनेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है ठीक है तो इसमें दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है ठीक है एक तो है कि एक्सटर्नल एजेंट दूसरा है स्लोई ठीक और ये रेफरेंस पॉइंट ठीक है ये तीन वर्ड्स हम लोग समझेंगे पहले इस डेफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं इसमें कहा गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट ठीक है तो इस डेफिनेशन में स्लोली वर्ड का मतलब क्या होगा ये हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं ठीक है स्लोली इन फिजिक्स तो ये जो वर्ड है स्लोली फिजिक्स में इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट कानीटिक एनर्जी के साथ में ट्रैवल कर रहा है है ना तो ये कह सकते हैं वैन An object is moving with constant speed, with constant speed and constant kinetic energy, then. ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेड टू बी मूविंग स्लोली ठीक है तो इसका मतलब एक तो और हो गया कि चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा और नेट फोर्स जो लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पर वो भी जीरो होगा ठीक है तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी जब भी किसी कंजर्वेटिव फील्ड में या किसी कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट स्लोली चल रहा हो तो दो तरह के फोर्स एजेक्ट करते हैं है ना उसको हम लिखते हुए चलते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट Moves slowly in a conservative field, conservative field, or under the influence of under the influence of. कंजर्वेटिव फोर्स देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ठीक है तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करता है कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में तो दो तरह के फोर्सेज एक्ट करते हैं वो दो फोर्सेज होते हैं एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स जिसको कि हम लोग सिम्बॉल देते हैं एफ सी और जो दूसरा फोर्स होता है वो होता है फोर्स अप्लाइड बाई अप्लाइड बाई एक्सटर्नल एजेंट है ना मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो दूसरा फोर्स लग रहा होगा वो कहलाता है फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट और इसका जो सिंबल है वो हम लिखते हैं इस तरह से एफ एक्सटर्नल ठीक है अब ये कहेंगे कि ये दो फोर्सेज एक्ट तो करते हैं लेकिन साथ में कंडीशन भी होता है सच दैट सच दैट समेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स प्लस फोर्स अप्लाइड बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू जीरो है ना जैसा है कहा गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करता हो तो नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए है ना नेट एक्सोलेशन भी ज़ीरो होना चाहिए तो अगर दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स तो दोनों का सम ज़ीरो होना चाहिए ठीक है तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है कि जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो कहा जा सकता है सो फोर्स अप्लाइड बाय अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन इन डायरेक्शन टू द कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स से कंपेयर करें तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होता है ठीक है अच्छा इसके साथ में एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है ऐसा कह सकते हैं क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है है ना और किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो इसका मतलब वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा बस जो नेचर है वर्क का वो अपोजिट नेचर का होगा क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं है ना तो साथ में ये जो है ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमेशा ही वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा हो तो ये ऐड किया जा सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली देन वर्क डन बाई external agent external agent is equal to work done by conservative force conservative force in magnitude इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर है ना जो नेचर है वो अपोजिट होगा एक पॉजिटिव वर्क करेगा तो दूसरा निगेटिव वर्क करेगा ठीक है साथ में हमने जो डिफिनिशन पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का वो ये पढ़ा कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है इसको हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो वहां की पोटेंशियल एनर्जी यू हो गई तो जो चेंज हुआ वो हो गया यू माइनस जीरो यानी कि यू और वही वर्क डन बाइ एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होता है बाई डिफिनेशन ठीक है तो ये जो इक्वेशन लिखा हमने ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसको भी हमें हमेशा याद रखना है ये आगे कई सारे चैप्टर्स में यूज में आएगा है ना इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय निगेटिव और वर्क डन बाय फोर्स इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ये हो गया इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि जहाँ जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वहाँ वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है कंजर्वेटिव फोर्स के साथ में ही पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड रहती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनके बीच में यानी कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में जो रिलेशन है अभी उसको समझेंगे ठीक है तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से बताया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल इनटू यू जहाँ पर एफ सी क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है और यू जो है पोटेंशियल एनर्जी है जो डेल ऑपरेटर है उसको एक तरह से ग्रेडियंट भी कहा जाता है क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज बताता है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो रेट ऑफ चेंज है ठीक है पोजीशन के हिसाब से पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज है वो कंजर्वेटिव फोर्स बताता है ठीक है अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें फोर्स को तो फोर्स कौन लिख सकते हैं इधर ऐसे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप ठीक है और इनको अगर लिखा जाए माइनस डेल यू को तो लिखेंगे माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप ठीक है तो अगर कंपोनेंट्स को कंपेयर करें बाई Comparing the components, by comparing the components, we will get fx is equal to minus del u by del x ये आ जाएगा। उसी तरह से जो f y है, उसको हो जाएगा minus del u by del y ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा फिर यह पार्ट इसके इक्वल होगा उसी तरह से ये जो थर्ड टर्म है इसमें वो इसके थर्ड टर्म के इक्वल होगा तो यहां से यह आएगा कि एफ जेड जो है वो है होगा माइनस डेल यू बाई डेल जेड के इक्वल ठीक है तो अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्स को लिखना होगा सो कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप ठीक है और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड के वैल्यू यहां से रख देंगे तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप ठीक है तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है अगर वो दिया गया हो ठीक है तो जैसा कि मान लेते हैं कि अपने पास एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड ठीक है अब हमें क्या पता करना है फाइंड फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स एट पॉइंट वन कॉमा टू कॉमा थ्री ठीक है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस क्वेश्चन में क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल होता है और डिफरेंट पॉइंट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है डिफरेंट पॉइंट पर पोजीशन के साथ में चेंज होता रहता है इसलिए हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है कि इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें ठीक है तो अब जो फार्मूला हमने अभी सीखा है उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं ठीक है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से सबसे पहले x वाला जो कॉम्पोनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं ठीक है तो x डायरेक्शन में जो फोर्स है इसकी वैल्यू आएगी माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ठीक है माइनस तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो y और z को कांस्टेंट माना जाएगा है ना तो y z कांस्टेंट है और x स्क्वायर का आ जाएगा 2x ठीक है तो x डायरेक्शन का जो कॉम्पोनेंट है वो यहाँ से आ गया उसी तरह से अगर हम लोग y डायरेक्शन वाला कॉम्पोनेंट फाइंड करें एफ वाई तो वो आएगा माइनस डेल u बाई डेल y ठीक है यानि कि ये जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y वेरिएबल होगा जबकि x और z ये कांस्टेंट होंगे तो कांस्टेंट टर्म्स जो है x स्क्वायर और z इनको रहने देंगे और y का जो डिफिनीशन है वो हो जाएगा y का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा वन ठीक है अच्छा उसी तरह से अगर इसका z वाला कॉम्पोनेंट पैदा करना हो तो पोटेंशियल एनर्जी को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है तो इस केस में क्या होगा कि जेड अपना वेरिएबल होगा और एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट होंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म को पहले लिख देंगे और जेड का जो डिफ्रेंसिएशन है वो आएगा वन तो इस तरह से जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप ठीक है और यहाँ से वैल्यूज़ इनके सब करेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स वाई जेड आई कैप फिर माइनस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई के कैप तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई किसी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पर लेकिन हमसे पूछा गया है वन कॉमा टू कॉमा थ्री पर तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये आएगा माइनस टू इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री आई कैप माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट वन और जेड जो है वो है थ्री इतना जे कैप माइनस एक्स कोऑर्डिनेट वन और वाई का जो है वह है टू ठीक है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस ट्वेल्व आई कैप है ना एक्स वाला जो कॉम्पोनेंट है ये होगा माइनस ट्वेल्व आई कैप और ये हो जाएगा माइनस थ्री जे कैप और फिर माइनस टू के कैप तो कुल मिला के कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू ये आ गई ठीक तो अगर ऐसा कहें कि हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया गया हो है ना पोटेंशियल एनर्जी पता हो और फोर्स निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करके पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इस तरीके से हम लोग फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें पहले से फोर्स दिया गया हो और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा है ना तो उसको हम समझेंगे अभी पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि ये तो हो गया कि भाई थ्री डायमेंशनल फोर्स हो तो इस तरह से फाइंड करेंगे अगर ऐसा हो कि वन डायमेंशनल फोर्स हो तो उस फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से कैसे फाइंड करेंगे है ना फॉर वन डायमेंशनल कंजरवेटिव फोर्स कंजरवेटिव फोर्स अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स हो तो इसको हम लोग माइनस डी यू बाई डी लिख सकते हैं क्योंकि वाई जेड पर डिपेंड ही नहीं करेगा है ना या ऐसे भी लिख सकते हैं कि और एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर ठीक है अगर वन डायमेंशनल फोर्स हो तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में जो रिलेशन है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अच्छा इसी से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डी यू होगा ये हो जाएगा माइनस एफ सी डॉट डी आर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वन डायमेंशनल है तो डॉट प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत है नहीं ठीक तो अब इसको हम लोग तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा डी यू और जो कंजर्वेटिव फोर्स है ठीक है हालांकि हमने लिखा तो है वन डायमेंशनल के लिए लेकिन इसको वापस थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट किया जा सकता है वेक्टर फॉर्म में फिर से लिखा जा सकता है तो अगर थ्री डायमेंशनल फोर्स के फॉर्म में लिखें इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा एफ़ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट जो डी आर है उसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई चे कैप प्लस डी जेड के कैप ठीक है तो इनको थोड़ा सा और आगे की तरफ सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ में करते हैं मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इसके साथ में इसको इसके साथ में और बाकी वाले टर्म जीरो हो जाते हैं तो यहाँ पर जो टर्म आएगा वो आएगा कुछ ऐसा एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड ठीक है ये ऐसा आएगा अब इसमें ऐसा होगा कि हमें कोई लिमिट दिया जाएगा है ना ऐसा मान लेते हैं कि ये एक्स वन y1, z1 इस पॉइंट से x2, y2 और z2 इसके बीच में हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ठीक है तो x1, y1, z1 जो पॉइंट है वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि u1 है और x2, y2, z2 जो है वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मान लेते हैं u2 है ठीक है तो ये आएगा u2 टू माइनस यू वन इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू माइनस एफ वाई डी वाई वाई वन टू वाई टू माइनस एफ जेड डी जेड जेड वन टू जेड टू ठीक है तो ये बताएगा कि ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एक्सप्रेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता है इस एक्सप्रेशन को एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं क्लियर तरीके से तो ये कहा जा सकता है कि U2 माइनस यू वन इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर माइनस साइन है है ना अच्छा इधर आ जाएगा एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड ठीक है तो यहां जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था वही एक्सप्रेशन हमने दोबारा लिखा है ये लिमिट फिर से वहां पर हम लोग लिख देते हैं तो जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे यहां पर रखेंगे x1 वन से x2 टू यहां पर रखेंगे y1 वन से y2 टू और यहां पर रखेंगे z1 वन से z2 टू तो ये कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएगा ये है ना बिटवीन द पॉइंट्स x1, y1, z1 वन x2, y2, एंड इन दोनों के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएगा ठीक है इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि जो x1, y1, z1 है उसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाता है ठीक है तो ऐसा कर सकते हैं कि इफ इफ एक्स वन वाई वन जेड वन इज इज रिफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पर माना जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ठीक है सो so, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट इज यू वन इज इक्वल टू जीरो जहां भी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है ठीक है और साथ में ये भी मान लेते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 दूसरे पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है u2 उसको हम लोग u मान लेते हैं है ना तो ये कहेंगे एंड एज्यूम दैट एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x2, y2, comma z2 is u2 is equal to u. ठीक है ऐसा मान लेते हैं तो हमने दो पॉइंट यहाँ बताए हैं एक पॉइंट है x1, y1, z1, जिसको हमने रेफरेंस लाइन ले लिया तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो दूसरा पॉइंट बताया x2, y2, z2 वहाँ की पोटेंशियल ने हमने मान लिया u, तो ये वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में रखें तो यू टू के जगह पर रखेंगे u और U1 वन के जगह पर रखेंगे जीरो ठीक है तो रखने से जो रिजल्ट आएगा है ना वो कुछ ऐसा आएगा कि U माइनस जीरो माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड ठीक है लिमिट अपना ये था x1 वन से x2 टू वन से y2 टू और z1 वन से z2 टू ठीक है तो अल्टीमेटली ये सारे एक्सप्रेशन का डेरिवेशन का जो कंक्लूजन है उसको हम लोग ये लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a particle or object at point x two, comma y two comma z two is given by U is equal to U is equal to minus एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड ठीक है इसमें लिमिट है एक्स वन टू एक्स टू वाई वन टू वाई टू और जेड वन टू जेड टू ठीक है तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ना ये जो एक्सप्रेशन आया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इसमें हमने क्या सीखा कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है यहां पर एक चीज और हमें ध्यान देना होगा कि वेयर वेयर एक्स वन कॉमा वाई वन मा जेड वन इज द रिफरेंस पॉइंट इज द रिफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट यह होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है ठीक है तो कुल मिला करके हमने दो पॉइंट बताए थे तो ये पॉइंट तो अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया और x2 टू z2 टू जे टू वो पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है तो अल्टीमेटली ये जो ये जो पूरा पार्ट है है ना? यहाँ से नीचे का ये हमें ध्यान रखना होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन दिया गया हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे ऐसा ही एक एक्सप्रेशन हमने पहले सीखा है यहाँ पर है ना? ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया गया हो तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता करें ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स दोनों का रिलेशन है तो एक दिया गया हो तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं तो इस एक्सप्रेशन में सिखाया गया कि पोटेंशियल एनर्जी दिया गया हो तो कंजरवेटिव फोर्स कैसे फाइंड करें है ना और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन सीखा हमने यहाँ पर ये बताया गया कि कंजरवेटिव फोर्स दिया गया हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करें ठीक है